चली थी मुझे ही नहीं पता। बोले वो प्ले स्टोर से हटी। मैंने कहा प्ले स्टोर कौन होता है? पर डे 20,000 ज्वाइनिंग से लेकर 30,000 ज्वाइनिंग आती थी और अभी प्ले स्टोर से हटने की वजह से 15,000 से 20,000 के बीच में ज्वाइनिंग आती हुआ जोरदार ताली। कुछ लोगों को हम लोगों ने लिंक प्रोवाइड कराया है। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि प्रीमियम कंपनी का प्रचार हो रहा है। प्रीमियम जो लोग नहीं जानते हैं Zpay को, उनको भी लोग रास्ते में रोकते भाई Zpay प्ले स्टोर से हटेगा। उसके दिमाग में बीज डाल दिया कि Zpay नाम का कोई सिस्टम है। ठीक, इससे हमारे क्या हो रहा है? प्रचार हो रहा है। और सबसे अच्छी बात, मैंने सुना था गाना है जो है नाम वाला, लेकिन हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपकी बदनामी हो। हमारे डायरेक्टर श्री उदय प्रताप सिंह, आप लोगों ने नाम सुना होगा, इनका कहना है ये जो सफेद कलर हम डायरेक्टर्स तीनों की है, उसी प्रकार से आप सभी की कॉलर सफेद बनी रहेगी। किसी प्रकार का कोई दाग आप लोगों कॉलर पे लगने वाला नहीं है। और मैं तो कहता हूं 599 या 1199 रुपए लगाकर कंपनी ने जो प्लान दिया है, उस प्लान के तहत आपके सामने ऐसे इंसान भी खड़े हैं जिन्होंने 20 लाख से ऊपर इनकम की है। आपके सामने रखे जिन्होंने दसियों लाख रुपया कमाया है इस सिस्टम से, मनोज सर बैठे हैं जिन्होंने बहुत पैसा इस सिस्टम से उठाया है, और ऐसे काफी लोग इस सिस्टम के अंदर हैं जो लाखों रुपए की इनकम कर चुके हैं। से पूछना चाहता हूं कि यदि 599 रुपए लगाने के बाद, 1199 रुपए लगाने के बाद आप 3 महीने रिचार्ज करके आपका पैसा पूरा वसूल कर लेते हैं कि नहीं? Yes. आपने पैसा क्यों लगाया था? प्रिविलेज पाने के लिए क्यों लगाया था? इसका आपको 8.5% का प्रिविलेज मिले। ठीक, कंपनी ने आपसे पैसा लिया ई बुक का। क्या है ई बुक? जब पढ़ेंगे आपको पता चलेगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना पोटेंशियल है। वो हमारा प्रोडक्ट है, विद जीएसटी कंपनी पे करती है गवर्नमेंट को। आपने जो 1199 लगाया है उसमें विद जीएसटी गवर्नमेंट को पे करती है, तब आपके पास में सिस्टम चल रहा है। और आपकी इनकम का टीडीएस भी कटता है और 16A नंबर फॉर्म भी दिया है कंपनी ने। कंपनी का मिशन और कंपनी का विजन दोनों ये है कि जितने भी हमारे साथ साथी आ रहे हैं वो हमेशा के लिए हमारे साथ रहे और लाखों और करोड़ों रुपए कमाए, करोड़ों रुपए कमाए। आवाज नहीं आई? करोड़ों रुपए कमाए। अभी मन में आ रहे हैं, सुनते तो रहते हैं, करोड़ों रुपए आते कहां है? माय डियर लीडर्स, जब मैं बता रहा हूं कि ये जो सामने आपके वीडियो बना रहे हैं, ये श्रीमान 20 लाख रुपए से ज्यादा कमा चुके हैं पिछले 4, और ये दिसंबर होते होते 1 करोड़ रुपए से ऊपर कमा चुके हैं। कोई शक? जब एक इंसान कमा सकते हैं, उनके भी दो हाथ दो पैर दो आंखें चार नाक, ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है, हम ही में से हैं, कर सकते हैं। यस सर। आज की डेट में सबसे पहली जो चीज है वो है सेल्फ बिलीफ। अगर हम अपने ऊपर विश्वास करेंगे तो हम दूसरे के ऊपर विश्वास कर पाएंगे, और जब हम एक दूसरे पर विश्वास करेंगे तभी हम सफल हो पाएंगे। कंपनी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती है कि आप लोगों तक 100% जानकारी हो, 100% पैसा जाए, लेकिन जाता क्यों नहीं? ऐसा क्या है जो हम नहीं कमा पा रहे?
ऐसा क्या है सचिन सूर्यवंशी सर, रतन सूर्यवंशी सर कमा लेते हैं, शंकरलाल ककरवाल सर कमा लेते हैं, ये हजारों किलोमीटर्स का सफर करके, चाहे लखनऊ हो, चाहे पटना हो, चाहे मुंबई हो, चाहे अहमदाबाद हो, वो आने के लिए तैयार हैं। ऐसा क्या है? एक छोटे से एग्जांपल के साथ में मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा। कोई एक व्यक्ति मंच पे आ जाए, कोई भी आ जाओ, आप आ जाओ, आइए। क्या शुभ नाम सर? परेश सोरानी। परेश जी के लिए जोरदार तालियां। मैं छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं, ठीक है? उसमें आपको माइक की आवश्यकता नहीं है। अटेंशन, आप अटेंशन की मुद्रा में होंगे, सावधान, सामने देखेंगे, सभी लोग ध्यान से देखना। आपको अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करना है, लेफ्ट, दाबी बाजू। अब आपको अपना लेफ्ट हाथ नीचे करना है और राइट हाथ ऊपर करना है। राइट हाथ नीचे करना है और दोनों हाथ ऊपर करना है। अब दोनों हाथ नीचे करना है। अब आपको हेड रेज करना है, दोनों हाथ ऊपर करना है। क्लियर हो रहा है? पीछे से दिख रहा है? अब दोनों हाथ आपको नीचे करना है। अब आपको यू टर्न करना है। अब आपको वापस यू टर्न करना है। एक बार फिर लेफ्ट हाथ आपको ऊपर करना है, हाथ नीचे करना है, अटेंशन। अब आपको सभी को ठुमके लगा के दिखाना है। तालियां। इस एक्टिविटी से क्या समझ में आया? मैंने जब कहा आपको लेफ्ट हाथ ऊपर करना है, कान ने सुना, मस्तिष्क में ये सिग्नल गया, सर ने कहा है कि लेफ्ट हाथ ऊपर करना है, तो इससे मुझे कोई नुकसान नहीं है, कर दिया, ठीक। सर ने कहा राइट हाथ ऊपर करना है, तो इन्होंने राइट हाथ भी ऊपर कर दिया। दिमाग ने सिग्नल दिया कि इनको करने से मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैंने कहा यू टर्न हो जाइए, और यू टर्न भी हो गए, क्योंकि उसमें उनका कोई नुकसान नहीं है। और जैसे ही मैंने कहा कि आपको इन सभी के सामने ठुमके लगाकर दिखाना है, तो दिमाग के अंदर एक सिग्नल गया, कुर कुर कुर, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, कोई बता सकता है? अच्छा, यहां ठुमके लगाने से इनका कोई नुकसान था क्या? नहीं। लेकिन दिमाग ने क्या सिग्नल दिया? नहीं करूंगा। सही है, राइट? थैंक यू वेरी मच। इस छोटी सी एक्टिविटी से एक बात क्लियर हो गई, जब आप डिसीजन दिमाग से लेते हो, तब आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो बात नहीं जा पाती जो आपके साथ कायनात करे। मतलब यहां पर एक चीज होती है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है या आपकी जो सोल है, ठीक, वो रिलेट करती है आपके प्रकृति के साथ, लेकिन दिमाग जो है वो उसका जस्ट विपरीत जाता है कि ये चीज होगी तो ऐसा होगा, ये नहीं होगी तो ऐसा हो जाएगा। मतलब ये जो डर है, डर
इन्हें किस चीज का डर था डांस करने में? किस चीज का डर था? कि लोग हंसेंगे। किस चीज का डर था? और यही डर आपको प्लेटिनम और डायमंड बनाने में रोक रहा है। लोग क्या कहेंगे? अरे लोग कुछ नहीं कहेंगे भाई। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं, मेरी शिक्षा, मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर है नीमच, सुना किसी ने? चित्तौड़गढ़ के पास में है नीमच, वहां पर शिक्षा हुई। 12th तक मैंने कार्मल कॉन्वेंट स्कूल नीमच से पढ़ाई की, और 12th होने के बाद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से मैंने ग्रेजुएशन किया माइक्रोबायोलॉजी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। उसके बाद एमएससी करने का जब तैयारी थी, फादर को पहली बार अटैक आया था। अब चूंकि हम अकेले थे, पढ़ाई को छोड़ दिया, फादर को देखना जरूरी है। यहां आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, क्या होता है अर्जेंट और क्या होता है इंपॉर्टेंट।